अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, द किचन स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आपने बिल्कुल आखिर तक देखनी है। कीमा भरे करेले की रेसिपी है आज की। अगर आपके घर में कोई भी कीमा नहीं खाता, करेले नहीं खाता, तो ये रेसिपी से आप अगर करेले बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि सबको बहुत पसंद आएंगे। तो कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेने हैं 750 ग्राम कीमा। उसमें आप डालेंगे छोटे कटे हुए बारीक कटे हुए प्याज 2 अदद, उसमें जाएगा दालचीनी 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, काली मिर्च 5 से 6 अदद। उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 टेबलस्पून जाएगा। इसमें जाएंगे फिर कुछ मसाले, धनिया पाउडर जाएगा 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर आपने शामिल करना है 1.5 टेबलस्पून। ये ऑलरेडी तेज़ है, अगर आप इससे भी ज़्यादा तेज़ अपना मिर्चें पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी। इससे ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हल्दी की अपनी एक हीक होती है, अपनी एक महक होती है, वो जायका भी उससे थोड़ा अलग हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसी रेसिपी को, इसी क्वांटिटी को आप फॉलो करें। ये सब शामिल करने के बाद आपने इसमें 1.5 कप पानी शामिल करना है। जब आप पानी इसमें शामिल कर लेंगे तो इसे अच्छे तरीके से तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, जितने मसाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, सबको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और इस कीमे के मिक्सचर को आपने भुनने के लिए छोड़ देना है। इसे आंच पे छोड़ेंगे और दूसरी तरफ आएंगे, करेले लेंगे, तमाम करेलों में से उसका छिलका अलग करेंगे, उसकी स्किन उतार लेंगे और जिस तरह मैंने करेले शो किए हैं ऐसे करेले होंगे। उसके बाद आपने इसके दरमियान में इस तरह चीरा लगाना है। याद रहे कि साइड जो है इसकी, बिल्कुल जो एंड साइड होती है करेले की, वो छोड़ देनी है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप कीमा भरेंगे तो बाद में ये कीमा साइड से नहीं निकलेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। करेले में से इस तरह करके आपने इसको डीसीड कर लेना है, इसके तमाम बीज बाहर निकाल देने हैं। बीज का हमारी रेसिपी में कोई काम नहीं है। और ये देखें, ऐसे बिल्कुल आपके तमाम करेले ऐसे होने चाहिए और इस तरीके से आपके करेले का एक पूरा बैच तैयार हो जाएगा। अब इन तमाम करेले के ऊपर 1 टेबलस्पून आपने नमक डालना है और इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है। नमक डालने का मकसद ये होता है कि जो करेले की तुर्शी है वो उसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर ले। तो थोड़ी देर इसे साइड पे रखेंगे, वापस आएंगे अपने कीमे के मिक्सचर की तरफ और कीमे को उतने अच्छे तरीके से भूनेंगे कि इसका जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो जाए, ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और जब हमारा पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, तेल शामिल करेंगे हम इसमें 3/4 कप और इसे अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट तक फ्राई करना है। ये तेल हम इसलिए शामिल करते हैं ताकि कीमे का कच्चापन भी निकल जाए और कीमे की जो अपनी एक हीक होती है वो भी निकल जाए पकने के साथ साथ, क्योंकि कीमे की अपनी एक स्मेल होती है जो कि हमें नहीं चाहिए अपने करेलों में। वापस आएंगे अपने करेलों की तरफ, करेले जो हमने नमक लगा के रखे थे उसको हम धो लेंगे और अच्छे तरीके से इसे किसी टॉवल से या टिश्यू से इसको सुखा लेंगे। उसके बाद हम कीमे की तरफ आएंगे, कीमे के अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, इसमें जाएंगे टमाटर 2 अदद, 2 से 3 अदद आप कर सकते हैं इसे, और फिर हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ठीक है। आपकी इस वक्त जो आंच है वो, आपके चूल्हे की जो आंच है वो हल्की ही रहनी चाहिए। फिर इसमें शामिल होगा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। फिर जाएगा इसमें धनिया, कुछ हरी मिर्चें आप इसमें शामिल करेंगे और हल्का सा इसको आपने फ्राई करना है। इस वक्त तक आपको एक बड़ी अच्छी खुशबू जो है कीमे की आना शुरू हो जाएगी, आपको लगना शुरू हो जाएगा कि कीमा पक रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपका कीमा रेडी हो जाएगा, कुक हो जाएगा, आपने इसको साइड पे रख लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए
और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपने जो की जो अपने करेले रखे थे उसके अंदर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करना शुरू करेंगे। याद रहे ये करेले हमने खुश करके रखे थे। इन करेलों में सब में हमने कीमा भरा है और फिर इसे हर तरीके से सिक्योर करना है। मैंने एक करेला दिखाया भी है, आपने इसको धागे से अच्छे तरीके से बांध लेना है ताकि इसकी किसी तरफ से कीमा बाहर ना निकले। उसके बाद एक एक करके आपने, या आप चाहें तो दो दो तीन तीन करके आपने अपने करेले को फ्राई करना है। उसका थोड़ा रंग बदलेगा, थोड़े पक जाएंगे। अभी इस स्टेज पे हम इसलिए पकाते हैं ताकि जब हम एंड में शामिल करें उसको अपने कीमे के अंदर तो हमें दोबारा ना पकाना पड़े और कीमा झल ना जाए। ये देखें पक चुके हैं, इसको आपने निकाल लेना है और आपने इसको, ये देखें थोड़ी देर इसको आपने रेस्ट देना है। उसके बाद आप इसको कीमे में शामिल करेंगे। कीमे में शामिल करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के 7 से 10 मिनट तक आपने इसे पकाना है। थोड़ी देर बाद इसके स्टीम के लिए इसको आपने चेक करना है। चाहे तो इस पे धनिया गार्निश करके डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी इस पे शामिल कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है आपके पास। लीजिए मज़ेदार कीमा भरे करेले तैयार हैं। इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ, चपाती के साथ। और मुझे ज़रूर ये ट्राई करके रेसिपी आप कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।